मधुबनी जिले के जयनगर भारतीय रेलवे स्टेशन के चंद फासले पर स्थित नेपाली स्टेशन से कल दोनों देश के प्रधानमंत्री ने डिजिटल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर जयनगर से नेपाल के कुर्था तक के लिए परिचालन की अनुमति दिया। वहीं आज सुबह 8:18 से जैसे ही यात्रियों के लिए ट्रेन खुलने की घोषणा हुई, इंडो नेपाल यात्रा के लिए उत्साहित लोगों ने ट्रेन से सफर के लिए टिकट काउंटर पर भारी संख्या में जमा हो गए। कुछ तकनीकी गड़बड़ी को लेकर टिकट काउंटर पर टिकट नहीं कट पाने से कुछ देर के लिए वहां ट्रेन से सफर कर हसरत लिए यात्रियों में निराशा उत्पन्न हो गई, लेकिन कुछ ही देर के बाद अधिकारियों ने उन यात्रियों के लिए ट्रेन के अंदर ही टिकट देने की व्यवस्था कर सुकून देने का काम किया, जिसके बाद प्लेटफॉर्म संख्या 1 से जनकपुर कुर्था के लिए ट्रेन यात्रियों के परिचालन बहाल कर दिया गया और तकनीकी खामियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं बता दें कि जयनगर से जनकपुर कुर्था तक यात्रियों को यात्रा करने में ज्यादा महंगे किराए भाड़ा से छुटकारा मिलेगा। वहीं समय की बचत के साथ ही सुगम यात्रा करने का भी यात्री लुप्त उठाकर आनंदपूर्ण यात्रा करते हुए अपने गंतव्य तक सफर कर सकते हैं। दोनों देशों के रिश्ते में जहां प्रगाढ़ता आएगी, वहीं इस ट्रेन परिचालन से दोनों देशों के बीच व्यापारिक एवं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यह इस देश के लिए भी दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है कि इस ट्रेन परिचालन का महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिहाज से खासी महत्व रखती है, जिसका इंतजार दोनों देशों के लोगों ने पलक बिछाए 8 वर्षों से लगातार कर रहे थे, जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के संकल्प शक्ति से पूर्ण होता देखा गया। बीएनपी न्यूज के लिए मधुबनी से संवाददाता राजीव कुमार झा की रिपोर्ट।